करेंगे अगली खबर दा सियासत दे नाल जुड़ी हुई खबर है। लोकसभा चोणां नूं लैके कुरुक्षेत्र दे विच आम आदमी पार्टी दी रैली कीती गई आम आदमी पार्टी दे वल्लों। इस दौरान आप दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दे वल्लों चोण मुहिम दा आगाज कीता गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस रैली दे विच शामिल होए ने। लोकतंत्र ते संविधान नूं बचाउण दी जरूरत है। सीएम मान ने कहा पंजाब दे लोकां नूं मुफ्त बिजली दे रहे हां, हरियाणा दे लोकां नूं भी मुफ्त बिजली मिले। असीं 42,992 नौजवानां नूं नौकरियां दित्तियां ने। 2 साल पहला अज के दिन पंजाब 92 सीटा मिलिया सी। चोन तो पहला जिहड़ियां पार्टियां ने उन्होंने वालों चोन प्रचार का जिहड़ा आगाज है वह कर दिता गया और वख वख हलकियां और वख वख सूबियां दे विच जाके जिहड़ा है प्रचार किया जा रहा है हर एक पार्टी के वालों। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र दे विच आगाज जिहड़ा है चोन प्रचार का आम आदमी पार्टी के वालों किया गया और पंजाब दे विच जिहड़े काम आम आदमी पार्टी ने किए ने वह हरियाणा दे विच भी गिनाए ने। 2 साल पहले आज के दिन ही इस समय तक 92 सीटें मिल चुकी थी। आज रिजल्ट आए थे, नतीजे आए थे। 2 साल पहले आज के दिन रिजल्ट आए थे, नतीजे आए थे और बड़े बड़े हंकारी जो थे, बड़े बड़े जो किले थे वो आज के दिन पस्त हो गए थे और बड़े बड़े जो कहते थे हम कई पीढ़ियों से हारे नहीं, उनके सूर्य अस्त हो गए थे। जो जनता ने किया है, ये पब्लिक ने किया है। और आने वाले दिनों में 13 सीटें पंजाब से लोकसभा में आ रही हैं, एक कुरुक्षेत्र की आने वाली है और दिल्ली में जीतने वाले हैं, शक्ति और बढ़ने वाली है। तो ये जोश चाहिए, ये जज्बा चाहिए। 90 की 90 हरियाणा में आपके मुंह में गुड़ शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर। मुझे कई बार पत्रकार पूछ लेते हैं कितनी सीटें आ रही हैं पंजाब में, मुझसे पूछते थे जब मैं कंपेन कर रहा था दिल्ली में, जब 2020 में कंपेन करते पत्रकार आ जाते कितनी सीटें आ रही हैं। मैंने कहा जी बहुत ज्यादा सीटें आ रही हैं, मैं लोगों का मूड देख रहा हूं, लोग नई कहानी लिखने वाले हैं। कहते आपकी सर्वे में नहीं आते, आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में आते हैं हम तो। बिजली 90% पंजाब के घरों में बिजली बिल्कुल मुफ्त आती है, बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब। हरियाणा को भी आना चाहिए। खेती का भी हमारा जो ट्यूबवेल है उसका बिल नहीं आता और धान जो है उगाते हैं, देश का पेट पालते हैं। और साथ में हमने आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है मजबूरी को मर्जी में बदलेंगे। दिल्ली में बदल चुके हैं, अब पंजाब की बारी है। आने वाले 6-7 महीने में पंजाब में ये मर्जी होगी लोगों की, इलाज सरकारी से कराना है या प्राइवेट से, लेकिन इलाज एक जैसा है। लेकिन इधर सरकारी में फीस नहीं लगेगी, ऐसे ही स्कूलों का मर्जी आपकी, प्राइवेट में बच्चे को पढ़ाना है या सरकारी में पढ़ाना है, मर्जी आपकी है, पढ़ाई एक जैसी होगी। मोदी जी हर रोज कहते हैं ना वन नेशन वन इलेक्शन, ये वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती।